गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए प्यारे बच्चों, आपकी तीन वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो चुकी थी। जो आज आपकी नेक्स्ट वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 4, आपको उनके अंदर भी इंटीजर्स का क्या निकालना है, आपको सम निकालना है। बहुत आसान है, पहले की तरह एक दो क्वेश्चन हम कराएंगे, बाकी क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। देखिए पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है फाइंड द सम इन टू डिफरेंट वेज। आपको सम करना है दो डिफरेंट वेज से। दो डिफरेंट वेज का मतलब ये हो गया, जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ 18, दूसरा लिखा हुआ 32। आपको सम करने से दो तरीके से, दो तरीके कौन से? देखिए कोई नए तरीके तो बनते नहीं है सम के, वही सेम पुराने क्वेश्चन चलेंगे। कैसे? देखिए पहले अगर मान लो, पहले इन दोनों का, फर्स्ट का और सेकंड का, दोनों का एडिशन कर दो, 18 + 32, ये आपका कितना आ गया बच्चे, 50 आ गया। और दूसरा का है, दो डिफरेंट वेज बोल रहे हैं, तो आप 32 को यहाँ पे आगे ले लो, 18 को आप यहाँ पे पीछे ले लो, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा, 50 आएगा। यानी कि आप नंबर्स को आगे पीछे, उनको डिसऑर्डर करके, उनको दो बार आगे पीछे करके, जब भी आप इनका एडिशन करोगे तो हमेशा हर तरीके से आपका जो आंसर है हर बार आपका सेम आना चाहिए। उसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, देखिए फर्स्ट का हम डी पार्ट करा रहे हैं, ये लिखा हुआ है 13, ये है आपका 13 - 78 और 50 लिखा है। आपको सम निकालना है फ्रॉम टू डिफरेंट वेज, यानी कि दो डिफरेंट वेज आपको यूज करके। तो देखिए कौन सा आपको इन तीनों का सम निकालना है, तो सम निकालना है तो एक बार तो आप इनका सम ऐसे निकाल दीजिए, माइनस का कितना 78 और सम का मतलब एडिशन, अंडरस्टैंड। और जब आप यहाँ से निकालोगे तो 13 + - यहाँ पे आपका माइनस का 78 और प्लस का कितना हो गया, 15 हो गया। सबसे पहले आप क्या दो तरीके कर सकते हैं, यहाँ पे आप पहले 13 को 15 को यहाँ पे ऐड कर दोगे, क्योंकि दोनों को ऐड क्योंकि पहला भी आपका प्लस का और ये भी आपका किसका है, यहाँ पे प्लस का है। तो 13 + 15 दोनों का एडिशन कितना हो गया यहाँ से, 28 और माइनस कितना लिखा हुआ आपका, 78। अब आपको पता है यहाँ पे ये दोनों, ये आप प्लस का है, ये नंबर आपका यहाँ पे माइनस का है। जब एक वैल्यू प्लस की होती है, एक वैल्यू माइनस की होती है, नंबर हमेशा आपका सब्ट्रैक्ट होता है, और जो वैल्यू आपकी बड़ी होती है, सिंबल आपका उसी का यूज़ होता है। तो आप यहाँ पे कहोगे सर यहाँ पे किसका नंबर बड़ा है, यहाँ पे माइनस का नंबर बड़ा है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद इन दोनों को जो यहाँ पे आपका आंसर बचेगा, वो आपका आंसर किसका बचेगा, माइनस का। ये हो गया आपका यहाँ से आंसर हो गया, पहला तरीका ये हो गया। दूसरा मेथड यहाँ से, यानी कि दो वेज बोल रहे, तो आप इस नंबर को आगे लिखिए, इसको आप पीछे लिखिएगा। कैसे? जैसे आपने 15 को आगे लिख लिया, आपने 78 को लास्ट में लिख लो, 13 को आप बाद में, और माइनस का 78। देखिए आप 15 + 13 और माइनस 78, देखिए सेम वही क्वेश्चन बन गया आपका। 15 + 13 कितना, 28 और माइनस कितना आपका, 78। यहाँ से आपका कितना आ गया, माइनस का 50, ये क्या हो गया आप लोगों का आंसर हो गया। यानी कि आपको दो तरीके यहाँ पे, एक बार इनका जो यहाँ पे उनका ऑर्डर है उनको आगे पीछे करके, दो मेथड यूज करके आपको इनका प्लस करना है, बट दोनों कंडीशन के अंदर ध्यान रखना आपका आंसर जो है सेम होना चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, ये कह रहे हैं एडिटिव इनवर्स। देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपका जो एडिटिव इनवर्स जो होता है आपका, जैसे आपका एक नंबर लिखा हुआ है 31, या फिर आप कुछ 50 ले लो, यहाँ पे एक नंबर लिखा 50, ओके, आपको इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स निकालने का मतलब ये हो गया, इस नंबर का इनवर्स, इनवर्स यानी कि इस नंबर का नेगेटिव पार्ट। यानी अगर मान लेते हैं आपका 15 है, अगर मेरे को इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो जो इसका एडिटिव इनवर्स होगा कितना होगा, माइनस का 15। अगर मैं यहाँ पे 17 लेता हूँ, अगर मेरे को इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो 17 का एडिटिव इनवर्स कितना बनेगा आपका, माइनस का 17। अगर मेरे को यहाँ पे -17 का एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो आपका आंसर क्या आएगा, -17 का एडिटिव इनवर्स होगा प्लस का कितना, 17। यानी कि जो वैल्यू प्लस की वो माइनस की हो जाएगी, जो वैल्यू माइनस की वो वैल्यू किसकी हो जाएगी, यहाँ पे प्लस की हो जाएगी। जैसे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है -501, आपको इस नंबर का क्या फाइंड आउट करना है, आपको इस नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया था जो वैल्यू माइनस की होती है वैल्यू किसकी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी प्लस की। तो यहाँ पे आपका माइनस का 501 है, जब आप इसका एडिटिव यूनिवर्स निकालोगे तो कितना बन जाएगा, प्लस का 501, और ये क्या हो गया आप लोगों का आंसर हो गया। हमेशा ध्यान रखना, जो आपका नंबर है, कोई भी आपका नंबर है,
उसका एडिटिव इनवर्स, जो भी उसका एडिटिव इनवर्स होगा, जब हम दोनों का सम करेंगे हमेशा, तो दोनों का सम हमेशा कितना आएगा, जीरो आएगा। जैसे यहाँ पे 31 है, 31 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा, आप कहोगे सर 31 का एडिटिव इनवर्स होगा माइनस का 31। और जब आप इन दोनों का सम करोगे, सम मतलब इन दोनों का ऐड करोगे, तो 31 प्लस माइनस 31, क्योंकि इसका एडिटिव इनवर्स माइनस 31 होगा, तो यहाँ से आपका 31 प्लस माइनस, यहाँ से माइनस 31, और 31 माइनस 31 कितना हो गया आपका, जीरो हो गया। यानी कि कोई भी आपका इंटीजर हो और उसका एडिटिव इनवर्स, कोई भी इंटीजर आपका, उसका एडिटिव इनवर्स जब दोनों का हमेशा जोड़ करेंगे, तो दोनों का जोड़ हमेशा किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। अंडरस्टैंड। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में प्यारे बच्चों आपको एक नंबर का ऐड करना है। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है 200 प्लस माइनस 105 और प्लस आपका लिखा हुआ है माइनस का 36। तो देखिए आपको इनका सम करना है प्रॉपर्टी यूज करके, कुछ भी नहीं प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ आपका 200, जब आप यहाँ से ब्रैकेट में से ब्रैकेट जब हटाओगे, रिमूव करोगे, तो यहाँ से आपका प्लस का, यहाँ पे आपका माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो गया आपका, यहाँ से माइनस हो गया। उसी प्रकार आपका प्लस और ये आपका माइनस का, प्लस और माइनस जब आपके दोनों को स्ट्राइक होंगे, तो यहाँ पे आपका किसका बन जाएगा, ये आपका माइनस का 36। जब इन दोनों को यहाँ पे सोल्व करोगे प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ पे 200, ये भी आपका माइनस का और ये भी आपका माइनस का। तो मैंने आपको बताया था, जब दो नंबर माइनस के होते हैं, तो दोनों को ऐड करके 3 और 4 7 और किसका सिंबल लगा देते हैं, यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा देते हैं। उसी प्रकार ये भी आपका माइनस का और ये भी आपका माइनस का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 200 अंडरस्टैंड माइनस 105 माइनस 136, दोनों को ऐड करके किसका सिंबल लगा देंगे, माइनस का, और ये आपका हो गया यहाँ से माइनस का 141। और जब आप 200 में से 141 को माइनस करोगे, तो यहाँ से आपका ये बचेगा 51। अब बस ध्यान रखना, अगर आपकी प्लस की वैल्यू बड़ी होगी तो प्लस का आंसर आएगा, माइनस की वैल्यू बड़ी होगी तो यहाँ पे किसका आंसर आएगा, आपका माइनस का आंसर आएगा। एक पार्ट हम इसका और करा देते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है बच्चों, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका माइनस का 215 प्लस माइनस 215 प्लस 816 प्लस 860, दोबारा से आपका माइनस 215 प्लस, दोबारा से आपका 215 और लास्ट में आपका लिखा हुआ है प्लस का 1। अंडरस्टैंड। देखिए प्यारे बच्चों, आपको इसको सोल्व करना है यहाँ पे, तो कैसे करोगे उस चीज़ को देखिए। माइनस का 215 ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है, जब आप यहाँ से ब्रैकेट हटाओगे, तो प्लस और माइनस आपको पता है यहाँ पे किसका बन गया, यहाँ पे माइनस। नेक्स्ट आपका 860, जब आप यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट हटाओगे, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस 250, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब आप ये हटाओगे, तो माइनस का कितना आपका 215 और प्लस कितना लिखा हो आपका 1 लिखा हो। तो देखिए यहाँ पे जितने भी माइनस के आप उनको चेक कीजिएगा, ये भी आपका माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। तो जितनी भी माइनस की वैल्यू है, सभी को ऐड करके किसका सिंबल लगा देंगे, माइनस का। जब आप इन सभी को ऐड करोगे, तो देखिए आपका 215 आपको कितनी टाइम्स लिखा हुआ है, 215 आपका 4 टाइम्स लिखा हुआ, 1 2 3 4। तो या तो आप यहाँ पे 215 को आप डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्यों, क्योंकि आपका 215 कितनी बार लिखा हुआ आपका, 4 टाइम्स लिखा है। अगर आपका 5 टाइम्स लिखा होता, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे सिंबल सभी के सेम होने चाहिए, अगर सभी प्लस के हैं तो सभी प्लस के, और सभी माइनस के हैं तो सभी माइनस के। देखिए यहाँ पे जब आप, ये आपका 4 टाइम्स लिखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये आपका 5 टाइम्स होता, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देता। जब आप इसको यहाँ पे सोल्व करोगे, तो 4 5 20, 4 2 6, 4 2 यहाँ पे 8 हो गए, और मैंने आपको बताया था। या फिर अगर आप इनको सेपरेट आप इनको ऐड भी करोगे, सभी चारों को जब आप ऐड करोगे, तब भी इनका एडिशन कितना आएगा, 860, और सभी को जब ऐड करके किसका सिंबल लगाएंगे, यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद
प्लस कितना लिखा हुआ आपका, प्लस लिखा हुआ आपका 860 और लास्ट में आपका लिखा हुआ है प्लस का 1। तो देखिए ये आपका माइनस का 860, ये आपका प्लस का 860, तो आपको पता है तो आपको यहाँ पे पता है एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू यहाँ पे माइनस की, तो नंबर आपका ऑब्वियस है सबट्रैक्ट होगा। तो 860 माइनस 860, तो आपको पता है सेम नंबर में से सेम नंबर जब हम माइनस करते तो क्या बन जाता आपका, वो जीरो जीरो ये तो बन गया, और प्लस आपका 1, और 1 प्लस 0 कितना हो गया आपका 1, और ये क्या हो गया आप लोगों का आंसर हो गया। तो ऐसे ही आपको सभी को ये क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, सभी के सभी क्वेश्चन आपके इसी के ऊपर सारे के सारे आपके बेस है। देखिए एक क्वेश्चन हम और करा देते हैं प्यारे बच्चों, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, चलिए यही वाला ले लेते हैं, लिखा 637 प्लस 350, नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है 237 माइनस का एंड प्लस यहाँ पे आपका लिखा हुआ है माइनस का 900। तो देखिए बच्चों, देखिए आपको इनका सम करना है, तो आपको ये पता है यहाँ पे 637 प्लस 350, अंडरस्टैंड, यहाँ पे जब ब्रैकेट लगाओगे प्लस माइनस माइनस एंड यहाँ पे आपका प्लस माइनस माइनस। अब देखिए ये भी आपका प्लस का, ये भी आपका प्लस का, दोनों प्लस के पहले आप इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, दोनों को आप ऐड करोगे यहाँ पे तो ये आपका बनेगा यहाँ से 8 and 9, अंडरस्टैंड, ये भी आपका माइनस का और ये भी आपका माइनस का। तो मैंने आपको बताया था जब दोनों माइनस के होते दोनों को ऐड करके किसका सिंबल लगा देंगे वहाँ पे माइनस का, तो ये आपका माइनस का यहाँ से बन गया 7, 3 and 9 plus 2 11, अंडरस्टैंड यहाँ तक। अब देखिए ये आपका फर्स्ट आपका प्लस का है, सेकंड नंबर आपका माइनस का, जब हम दोनों को सोल्व करेंगे यहाँ पे तो आपको पता है एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की है, तो यहाँ पे आपका सबट्रैक्ट तो होगा ही होगा, जब यहाँ पे आप दोनों को सबट्रैक्ट करते हो 1137 में से 987, तो यहाँ जो आपका आंसर बचेगा यहाँ पे 150, तो यहाँ पे जो आपका आंसर बचेगा 150, ये आप यहाँ पे आपका किसका बचेगा, ये आपका बचेगा यहाँ पे माइनस का, क्यों, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है और माइनस की वैल्यू आपकी यहाँ पे छोटी है, तो 1 - 150 आपका क्या होगा यहाँ से आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों, ये है आपको फिलिंग द बैलेंस, आपको यहाँ से फिलिंग द बैलेंस भरना है, ये कह रहा था नेगेटिव ऑफ माइनस 3। देख नेगेटिव ऑफ माइनस 3 या फिर यहाँ पे इसका एडिटिव इनवर्स, दोनों की बात है, एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 3 या फिर हम बोले इसका नेगेटिव ऑफ माइनस 3, दोनों एक ही बात है। जब आप इसका नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब माइनस, और माइनस किसका यहाँ पे माइनस का 3, माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे आपका प्लस, प्लस कितना हो गया 3 हो गया, यानी कि माइनस 3 का एडिटिव इनवर्स कितना होता है, मैंने आपको भी बताया था प्लस का 3, या फिर अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ यहाँ पे माइनस 3 का नेगेटिव कितना होगा आपको, हो गया यहाँ पे सर प्लस 3, मैं कहूँ यहाँ पे माइनस 5 का नेगेटिव कितना होगा तो आप कहोगे प्लस 5, या फिर मैं यहाँ पे कहूँ 5 का नेगेटिव कितना होगा आप कहोगे माइनस का 5, या फिर दूसरी लैंग्वेज में माइनस 5 का एडिटिव इनवर्स 5, 5 का एडिटिव इनवर्स यहाँ पे माइनस का 5, दोनों की दोनों आपकी एक ही बात है। नेक्स्ट जो पार्ट है आपको इसको फिलिंग द बैलेंस भरना है, आपको बॉक्स के अंदर यहाँ पे भरना है क्या आएगा, ठीक है, देखिए -8 + यहाँ पे आपको बताना है बॉक्स के अंदर क्या आएगा, ताकि जो आपका आंसर है आपका जो आंसर बॉक्स के अंदर -8, अंडरस्टैंड, आपको बॉक्स के अंदर ये भरना है कि जो आपका आंसर आए जब दोनों को ऐड करो तो कितना है -8 आए, तो आपको पता है किसी नंबर में कितना ऐड करो, वो नंबर खुद ही आए, तो आपको पता है, मान लेता हूँ आपको यहाँ पे 5 में कितना ऐड करो कि 5 ही आ जाए, आप कहोगे सर 5 में जब 0 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 ही आएगा, उसी प्रकार -8 में हम कितना ऐड करेंगे 0 ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा -8 आएगा। सी डी पार्ट में आपको इनको सभी का ऐड करना है और आपको यहाँ पे लिखना है, अंडरस्टैंड, क्वेश्चन ई जो पार्ट है, आइडेंटिटी एलिमेंट इज, ये कह रहे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो आपका होता है 0 होता है, यानी कि 0 को हम क्या बोलते हैं, 0 को हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं,
जीरो को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। कहने का मतलब ये हो गया, जब भी हम किसी भी नंबर के अंदर जीरो को जब हम ऐड करेंगे तो वो नंबर आपका नंबर ही आ जाता है। कि जब किसी भी नंबर के अंदर जब हम जीरो को ऐड करते हैं तो नंबर वहाँ पे आपका इटसेल्फ नंबर ही आ जाता है, इसलिए हम जीरो को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका माइनस का 51 प्लस का 51, तो आपको पता है ये तो बिल्कुल ईजी है, माइनस 51 और प्लस 51, आपका यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स लिखना है, जो कि आप यहाँ पे खुद लिखोगे, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ पे हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कल के लिए, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।